चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। चीन के पाकिस्तान से अपने ही हित हैं, फिर चाहे वो सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान उसके लिए मायने रखता है। दरअसल बीते दिन ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और बलूचिस्तान में जैश उल अदल के कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। इस पर पाकिस्तान ने भी ईरान को धमकाया था कि ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान पर धावा बोल दिया। अब इस हमले से पहले चीन का रिएक्शन भी आया था। हालांकि बीते 3 दिनों में ईरान ने 3 देशों पर हमले किए, इराक, सीरिया और पाकिस्तान। लेकिन चीन ने ईरान के पाकिस्तान पर किए हमले पर प्रतिक्रिया दी। उसने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के मुताबिक आपसी रिश्तों को निभाना चाहिए। माओ निंग ने कहा, ईरान और पाकिस्तान करीबी पड़ोसी और बड़े इस्लामिक देश हैं। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने वाले कदम ना उठाने और मिलकर इस क्षेत्र को शांत और स्थिर बनाए रखने की अपील करते हैं। तो वहीं ईरान ने पाकिस्तान पर किए हमले पर सफाई भी पेश की है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन स्विट्जरलैंड के दाओस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के निशाने पर कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं था। पाकिस्तान ने ईरान के हमले के बाद जो तेवर दिखाए वो कर भी दिया, ईरान पर हमला किया। खबर है कि ईरान के चाबहार वाले इलाके पर अटैक किया गया है। चाबहार ईरान का वो बंदरगाह है जिसमें भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 2016 में साइन की एक डील के मुताबिक इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत ने $85 मिलियन इन्वेस्टमेंट का अग्रीमेंट साइन किया था। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान का दौरा किया और बताया कि दोनों देशों के बीच भारत के चाबहार पोर्ट पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम करने और INSTC कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर साथ में चलने पर बातचीत हुई है। INSTC कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है, एक लाइन में ये भी जान लीजिए। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक परियोजना है। ये शिप, रेल और रोड के जरिए भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय रूट है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।